Hi everyone, welcome back to the channel and this is Ikra Meman and आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा कॉलेज का टूर. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम एडिटिंग करूँ और इस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर नहीं डालते हुए एक्चुअल टाइम में मेरी वॉइस रिकॉर्ड की है ताकि आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल सके. इसलिए हो सकता है आपको कुछ अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइसेस सुनने को मिले, लेकिन उसके अलावा आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ मेरे कॉलेज का टूर. ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं सत्यनिकेतन. सत्यनिकेतन एक कॉलोनी है जो कि बहुत फेमस है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ साउथ कैंपस. यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पीजी. तो आप देख सकते हैं ये कॉलोनी को. ये कॉलोनी से मेरा जो कॉलेज है ये अराउंड 10 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है. तो मैं आपको कुछ और डिटेल्स शेयर करते रहूँगी जब तक मैं अपने कॉलेज नहीं पहुँच जाती हूँ. ARST और बाकी जितने भी कॉलेजेस जो साउथ कैंपस में फॉल करते हैं उसके अक्सर स्टूडेंट्स सत्यनिकेतन में रहते हैं. उसका रीज़न ये है कि सत्यनिकेतन के पास ही मेट्रो फैसिलिटी आपको मिल जाएगी. ये जो सामने आप अगर ब्रिज देख पा रहे होंगे ये मेट्रो का है. और इसके अलावा जितनी भी दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है. ये है वो दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन और यहाँ से आपको बस स्टैंड भी जो है यहीं पर पड़ता है, वहाँ से आप जा सकते हैं. ये पूरे एरिया के अंदर भी आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे, बहुत सारा ईटेबल्स, बहुत सारा स्नैक्स आपको मिल जाएगा. ये देख सकते हैं आप, ये जो एरिया है यहाँ से चलते चलते आपको यहाँ पर रास्ते में वेंकटेश्वर कॉलेज मिलेगा. इसी के बाजू में है ARST कॉलेज. तो ARST कॉलेज बहुत पास पड़ता है सत्यनिकेतन से. दैट इज़ माई कॉलेज. एंड हम अंदर से मैं आपको टूर करवाने वाली हूँ आज कॉलेज का. सो स्टे ट्यून्ड. ये देखिए चलते चलते हम पहुँच चुके हैं हमारे कॉलेज, आत्माराम कॉलेज. यहाँ से आप देख सकते हैं. अगर आपको उसका फ्रंट व्यू चाहिए तो वो भी मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी जो मैंने उस साइड ऑफ रोड से लिया था. मुझे पर्सनली मेरा कॉलेज का जो एम्बियंस है और यहाँ का जो यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं. सिक्योरिटी होती है, आप कॉलेज में एंटर करो उससे पहले आपको उन्हें दिखाना पड़ता है आपका ID कार्ड, अदरवाइज दे डोंट लेट यू एंटर इन द कॉलेज. तो इसीलिए मैं अपनी सिक्योरिटी निकाल के सिक्योरिटी गार्ड को दिखा दूँगी एंड देन आई विल मूव अहेड. एंटर हो चुकी हूँ मेरे कॉलेज में मेरे गेट से. यहाँ पर आप फ्रंट ये जो एरिया है मेन कैंपस है बिल्डिंग का, मतलब मेन कैंपस है कॉलेज का. दिस साइड आपको जो है कैंटीन वगैरह मिलेगा. तो पहले मैं आपको कैंटीन का टूर करवा देती हूँ फिर हम चलेंगे. तो यहाँ पर से आप जैसे ही आते हो कॉलेज में लेफ्ट साइड आपको जो है कैंटीन और GCR मिलेगा, यानी गर्ल्स कॉमन रूम. इसी के साथ आपको मिलता है एक एरिया जहाँ पर आप बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स रूम टाइप. ओके, आई थिंक कुछ फैकल्टीज आई है. ठीक है, चलते हैं. आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर होगी. थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस होगा आई नो,
क्योंकि मैंने इसमें वॉइस ओवर नहीं यूज़ किया है स्पेशली, ताकि आप एक इन्वायरमेंट का आपको कुछ बैकग्राउंड का मतलब यू नो अंदाज़ा हो सके। यहाँ पर देखे कैंटीन आ चुकी है। कैंटीन के सामने ही एक बिल्कुल ग्रीन गार्डन दिया हुआ है। यहाँ गार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है आगे आपको बास्केटबॉल का भी एरिया दिखेगा, और ये एक बहुत अच्छा लेन दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। ये पूरा कैंटीन है, इसका मेन्यू ऊपर लगा हुआ है। कैंटीन में आपको जो है सुबह से लेकर शाम तक के, जब से कॉलेज खुलते हैं, जब से आपको पूरा ब्रेकफास्ट, लंच और बहुत सारे स्नैक्स मिल जाएंगे। आई होप आप देख सकते हो, थोड़ा धूप के कारण आपको रिफ्लेक्शन आएगा। वहाँ पर एक नेस्कैफे का हाउस भी दिया हुआ है। थोड़ा आगे आ चुकी हूँ मैं, यहाँ पर आपको एक नेस्कैफे का कुछ बूथ टाइप दिख जाएगा, एंड यू विल गेट योर फेवरेट मैगीज एंड कॉफीज एंड स्नैक्स ओवर हियर। और यहीं से आपको कुछ मेन बिल्डिंग में जाने का रास्ता भी दिखता है। ये देखिए, ये दिख सकते हो, यू कैन सी पीपल प्लेइंग बास्केटबॉल। और एक बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है, इसी के आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड। स्पोर्ट्स ग्राउंड यू कैन सी, हम यहाँ पर आगे चलते चलते यहाँ आ चुके हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा बहुत बड़ा, यू कैन प्ले एनीथिंग और यू कैन सिट हियर। यहाँ से भी आपको मेन कैंपस में जाने का रास्ता मिल जाएगा। लेट्स मूव अहेड, मतलब हम पीछे जाते हैं फिर से। लेट्स मूव टू द कैंटीन, मैं आपको एक कैंटीन का व्यू दिखा देती हूँ और उसके बाद हम वहीं से होते हुए GCR चल जाएंगे। हम कैंटीन से निकलते हुए यहाँ पर आपको GCR मिलेगा, और इसी के बाहर आपको मिलेगा एक टेबल टेनिस एरिया, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे बैडमिंटन खेलते हुए। GCR में चलते हैं। GCR means गर्ल्स कॉमन रूम, तो यहाँ पर गर्ल्स रिलैक्स करती है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है यहाँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ कैंटीन दिखाई, इसी के आगे आपको कंप्यूटर लैब भी दिखेंगे। Thank you.
जब हमने वहाँ से GCR से एग्ज़िट लिया तो हम यहाँ पर हमारे मेन ग्राउंड में फिर से आ गए। और यू कैन सी जहाँ से मैंने एंट्री ली थी और मैं आपको लेफ्ट साइड लेके गई थी राइट फॉर शोइंग यू द कैंटीन। अब मैं आपको मेन कैंपस ले जाने से पहले वैसे मेन कैंपस में इतना कुछ नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, मेन कैंपस का मैं आपको एक बार लुक दिखा देती हूँ। मेन कैंपस की क्लासेस भी मैं आपको लेके जाऊंगी, बट मेन कैंपस में क्या है, ओनली क्लासेस है, सेमिनार हॉल्स है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ले जाती हूँ और लाइब्रेरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा गार्डन है। लाइब्रेरी में आपको लेके जाती हूँ यहाँ से, जैसे कि आप आगे आ गए हो तो आपको यहाँ से लाइब्रेरी मिलेगी। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक फ़ोटो स्टैट कॉर्नर भी प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट का वहाँ पर एक अलग सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। आई लाइक दिस ग्रीनरी अराउंड मी। ऊपर मेट्रो चल रही है, आप देख सकते हैं। ये आ गई है हमारी लाइब्रेरी, लेकिन मैं आपको लाइब्रेरी से पहले कहीं ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक कुछ बैम्बू हाउस बना हुआ है, उस टाइप से बोलते हैं इसको, और यहाँ पर कुछ बैम्बू क्लासेस लगती है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर गेट है गार्डन में जाने के लिए। नेक्स्टली आपके पास वहाँ कोने में आप देख सकते हो दिस वन, दिस इज़ अ फोटोशॉप, मतलब फोटोशॉप, सॉरी फोटोशॉप बोल रही हूँ, फोटोकॉपी शॉप। तो वहाँ देख सकते हैं आप, कुछ स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं कोने में, वहाँ जाके देखते हैं क्या है। वहाँ पर है कॉमर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग बना दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में, देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लोर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट एक बिल्डिंग बनी हुई है। यहीं पर अगर आप आओगे आगे तो आपको हर्बल गार्डन भी दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे और प्लांट्स हैं। आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। कॉमर्स डिपार्टमेंट है यहाँ पर, मे बी ऑफ कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स की स्टडी होती होगी। और जो मेन कैंपस है उसमें, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज ज़्यादा है, बी ए ऑनर्स, पॉल साइंस प्रोग्राम्स एंड ऑल, तो इसलिए यहाँ पर जो मेन कैंपस है वहाँ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस की स्टडीज़ होती है। ये पूरा एरिया हर्बल गार्डन का है, नाइस एरिया, नाइस। अब वापस चलते हैं, मैं आपको लाइब्रेरी लेके जाऊंगी, वहाँ मैं ऑफ कोर्स बात नहीं कर सकती, तो आप समझ जाना साइलेंट मोड पे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बिकॉज लाइब्रेरी इज़ अ पीसफुल प्लेस, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ लाइब्रेरी के अंदर। और ये देखिए लाइब्रेरी के सामने हम पहुँच चुके हैं, दिस इज़ दी लाइब्रेरी। यहाँ मुझे बैग जमा करना होगा, उसके बाद मैं आपको अंदर जाके बताती हूँ। मैंने कूपन कलेक्ट कर लिया है। लाइब्रेरी में आ चुकी हूँ मैं, यहाँ पर जो है मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी के अंदर, आप देख सकते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स। मुझे लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगती है ARSD की। मुझे तो कोई भी लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगती है।
बिकॉज देर आर बुक्स ऑल अराउंड. ये देखिए कितने स्टूडेंट्स सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, यू नो जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स वगैरह आपको यहीं मिलेंगे. लाइब्रेरी से बाहर आ चुकी हूँ. यहाँ पर अब इग्नू का सेंटर भी दिखेगा और अब मुझे मैं आपको ले जाती हूँ क्योंकि मेरी क्लास है तो मैं आपको लेके जाती हूँ मेन कैंपस बिल्डिंग में. यहाँ पर भी आपको कुछ बैम्बू हाउस मिलेंगे जहाँ पर कुछ कुछ क्लासेस होती है. मैं आपको लेके जाती हूँ, आप इन जनरल देख सकते हैं क्लासेस कैसी हैं. मैं आपको T2 में लेके जाती हूँ टॉप फ्लोर. यहाँ पर एक एरिया है और इसके अलावा आप ऊपर जा सकते हो. मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ. ये फर्स्ट फ्लोर है, इसमें आपको सेमिनार रूम मिल जाएगा. एंड इसके अलावा मैं आपको टॉप फ्लोर पे लेके जाती हूँ. टॉप फ्लोर मींस T2, लाइक जहाँ पर T1 से लेके T15 तक क्लासेस होती हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सेकेंड फ्लोर पे पहुँच चुकी हूँ. आई थिंक मैंने आपको पूरा कॉलेज टूर करवा दिया है. लाइब्रेरी, कैंटीन, गर्ल्स कॉमन रूम, कॉमर्स डिपार्टमेंट, हर्बल गार्डन और साथ साथ मेरे PG से कॉलेज तक का सफ़र और ये सेकेंड फ्लोर का रास्ता. सो आई डोंट थिंक अब कुछ बचा है तो मैं अपने क्लास में मूव करती हूँ. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप दूसरे कॉलेज टूर भी चाहते हैं सो लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू विद दोज कॉलेज टूर्स. सो बाय बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.